देखो यहां पर लिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने वाले दो कंपोनेंट, कीटोन ग्रुप भी लिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और एल्काइल हैलाइड ग्रुप भी लिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। ये दोनों ही लिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, इतना तो भी कंफर्म। जब ये दोनों ही लिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो दिक्कत है कहां पर कि भाई एक मोल है तो एक मोल रिएक्शन करेगा किसके साथ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड और कीटोन ग्रुप अगर दोनों दे रखे हैं तो जो लिग्नार्ड रिएजेंट है वो कीटोन के साथ रिएक्शन करना प्रेफर करता है कंपेयर टू किसके, एल्काइल हैलाइड के। लेकिन अगर कोई एसिड बेस रिएक्शन होती तो वहां पर वो एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर करता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे, CH3CO बॉन्ड दो ग्रुप दे रखा है, यहां पर अगर रिएक्शन करेगा लिग्नार्ड रिएजेंट तो यहां पर CH3 लग चुका होगा, ये तो आप जान ही गए हो ना कीटोन के साथ रिएक्शन मैंने आपको करवाई CH2 और यहां पर क्या आ जाएगा भैया। अब होता क्या है कि अब यहां पर ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये एक साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है। याद रखना है कि आपके सामने जो ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो एक चीज मैं बता देता हूं, आई नेगेटिव सबसे गुड लिविंग ग्रुप होता है, फिर बी आर, फिर कौन सा होता है सीएल, फिर कौन सा होता है एफ नेगेटिव, क्योंकि इनके जो कंजुगेट एसिड है HI, HBr, HCl, HF सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये कैसे हैं, वीक बेस, और वीक बेस क्या होते हैं गुड लिविंग ग्रुप। तो ये Br नेगेटिव भी एक तरह से गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये ग्रुप क्या करेगा यहाँ पे अटैक कर देगा जो कंपाउंड हमारे सामने आएगा। हम तो सोच रहे थे इस तरह कुछ कंपाउंड बनेगा, लेकिन याद रखना है एक मोल के लिए रिएक्शन लगानी है आपको। कंपाउंड क्या बनेगा इसमें देखो, ऐसे कंपाउंड में कार्बन को काउंट करना ज्यादा जरूरी, एक दो, इसके साथ दो क्या बन जाएंगे कार्बन अटैच हो गए, यहां पे क्या होगा ऑक्सीजन, कितने हैं बीच में एक दो, 1 2 3, तो 1 हो जाएगा तुम्हारा 1 2 और 3। ये तीन कार्बन आपको समझ में आ चुके होंगे, इस तरह का कंपाउंड इसके अंदर बनेगा, इस तरह का कंपाउंड इसके अंदर बनेगा। कंपाउंड आपको दिख गया है किस तरह का कंपाउंड बनेगा, वो आप देख लीजिए। साइक्लिक कंपाउंड बनाना है आपको, अगर एक लिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा हो तो ओ नेगेटिव इसी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और इस तरह से, और जो ग्रुप है दूसरा वो क्या होना चाहिए गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। एक और कंपाउंड दे रखा है इसी रीजन में, सी डबल बॉन्ड ओ एच और CH2Br, 3 मेंबर तक की साइक्लिक रिंग बन सकती है, 2 मेंबर तो साइक्लिक रिंग बनती नहीं है आपको पता, 3 मेंबर बन जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए, तो ये रिएक्शन करेगा वो CH3MgBr के साथ। आपको भी पता है इसको प्रेफर करेगा ना कि इसको प्रेफर करेगा रिएक्ट करने के लिए, एक मोल ही इसका लेना, तो क्या बना देगा सी ओ नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा H और CH2Br, फिर आप जानते ही ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैक कर देगा, Br क्या हो जाएगा रिमूव, तो एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, कौन साइक्लिक कंपाउंड बनेगा CH और एक हमारा CH3 ग्रुप भी रह गया ना इसके साथ, यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा इसमें CH3 ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा O, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2, ये साइक्लिक कंपाउंड इसके अंदर बनेगा। तो इस तरह से अगर कोई कंपाउंड आपको दे रखा है तो आप 5 मेंबर्स रिंग बना सकते हैं, 6 मेंबर बना सकते हैं, 4 मेंबर बना सकते हैं, 3 मेंबर बना सकते हैं, लेकिन रिंग तभी बनानी है आपको जब आपका एक ग्रुप क्या हो, सिर्फ एक मोल ही CH3MgBr का आप यूज कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर रिएक्शन हो चुकी हैं, कुछ और रिएक्शन आपको बता रहे, जैसे कि अगर आपको कंपाउंड एच दे रखो CH2CH Br, फिर भी आप इसी के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं MgBr के साथ, और ड्राई ईथर दे रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या जाएगा MgBr बन जाएगा, ये कंपाउंड इसके अंदर बन जाएगा CH2CH Mg Br, ठीक है CH2CH Mg Br से बन जाएगा। तो ऐसे कोई रिएक्शन दे रखी हो तो ऐसे बना सकते हैं आप। एक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट 1,4 एडिशन रिएक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं, इसके बारे में और मैं आगे चलकर बता दूंगा एक बार आपको।
तो 1,4 एडिशन रिएक्शन आप कब यूज करेंगे? जैसे आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और यहां पे दे दिया जाए आपको C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से कोई कंपाउंड अगर आपको दिया जा रहा है तो ऐसे कंपाउंड में ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्शन करता है? तो ऐसे कंपाउंड में क्या होगा, सबसे पहले CH3 अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर। याद रखना ये 1,4 एडिशन रिएक्शन है, वो मैं आपको बताता हूं इसे 1,4 एडिशन रिएक्शन हम क्यों कहते हैं। तो यहां पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे किसके पास, ऑक्सीजन के पास, सॉरी ऐसे कंपाउंड चलेगा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इसके पास। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको, सी डबल बॉन्ड दो एक आ गया इसमें एच आ गया, ठीक है जी। इस तरह से कोई कंपाउंड अगर आपको दे रखा हो तो क्या होगा कि CH3 अटैक करेगा इस वाले कार्बन के पास, ये डबल बॉन्ड पहुंच जाएगा यहां पर और इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे इसके पास ऑक्सीजन के पास। तो किस तरह से रिएक्शन होगी वो देखो, देखिए क्या बनेगा सर CH2, यहां पर क्या आ जाएगा CH3, फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हुआ है तो यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान समझना, यहां पे CH3 ने अटैक किया तो CH3 यहां पर अटैच हो गया, फिर ये बॉन्ड यहां पे चला गया, यहां पे क्या आएगा CO- MgBr आ जाएगा, इसमें नेगेटिव पे कैसे चार्ज आएगा पॉजिटिव, जैसे यहां पर क्या आ गया एच आ गया। 1,4 एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं इसको, फर्स्ट कार्बन मान लीजिए इसे, इसे मतलब एटम मान लीजिए, सेकंड एटम मान लीजिए, थर्ड और से क्या देंगे उसको, जो ग्रुप अटैच होगा वो कौन से कार्बन पर अटैच होगा, अगर फर्स्ट पे अटैक करेगा और एक किस पे अटैच होगा, फोर्थ एटम के साथ अटैच होगा। आप देख भी रहे MgBr कहां पर अटैच हुआ है, फोर्थ एटम के पास, और फर्स्ट एटम के साथ कौन अटैच हुआ है, फर्स्ट एटम के साथ अटैच हुआ है CH3 ग्रुप, फर्स्ट एटम के साथ जो अटैच हुआ है वो कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है, CH3 ग्रुप अटैच हुआ है फर्स्ट एटम के साथ, ठीक है। अब वाटर के साथ आप जैसे रिएक्शन करोगे एच पॉजिटिव और H2 के साथ क्या बना दे रहे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड COH और यहां पे क्या आ जाएगा H, ये कौन सिस्टम में आ चुका है, इन और आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं, टोटोमेरिज फिर से आ गई, टोटोमेरिज में इन और सिस्टम में बन चुका है, इन और डबल बॉन्ड के लिए हम इन लेते हैं और OH ग्रुप के लिए क्या लेंगे आप और लेंगे, अब ये चेंज हो जाएगा कीटो फॉर्म में, क्या बना देगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये कंपाउंड इसके अंदर बनेगा, कौन से फॉर्म आ चुका है, कीटो फॉर्म आ चुका है, टोटोमेरिज हो गया। तो ये चीज आपको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया, ये आपको 1,4 एडिशन रिएक्शन, 1,4 एडिशन रिएक्शन मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको करने भी हैं। तो आगे अगर हम करते हैं इसमें आगे रिएक्शन भी आप लिख ली होगी, अगर एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, जैसे ये दे रखा आपको OH और यहां पे क्या दिया हुआ डबल बॉन्ड, आप रिएक्शन करवा रहे पीएच का मतलब क्या होता, पीएच का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप, पीएच MgBr के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी, और एक रिएक्शन में करवा देता हूं उसकी गिलमैन रिएजेंट के साथ, दोनों में से कोई सा भी अगर आ जाए इसे कहते हैं गिलमैन रिएजेंट, कोई सा भी अगर आ जाता है इनमें से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं गिलमैन का, इनमें से कोई सा भी अगर आ जाता है तो इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट सेम बनेगा। फिर मैंने आपको तरीका बताया, तरीका क्या था, ये तब आएगा जब आपको अल्फा बीटा, अगर हम इसे कौन सी मान रहे हैं, ये कीटोन है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखा है, उससे अल्फा कार्बन, ये कौन से कार्बन है आपके सामने, बीटा कार्बन,
अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड दे रखा हो, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन अगर आपको दिया हुआ है, आपको ये तभी यूज करना है। अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन आपको नहीं दे रखा तो आपको इसे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तभी लगेगा जब आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड दे रखा हो। कहीं ये कहने लगा सर एल्डिहाइड ऊपर वाला नहीं, ठीक है, तब ये रिएक्शन काम करेगी। 1,4 एडिशन रिएक्शन कहते हैं। 1,4 क्यों कहते हैं? यहाँ पे फर्स्ट आइटम हो गए, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, फोर्थ आइटम के साथ, फर्स्ट और फोर्थ आइटम के साथ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर कौन अटैच हुआ था, अभी मैंने बताया था, OMGBr लगेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, पीएच। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दिया, एच पॉजिटिव और H2O के साथ। इसमें मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट कैसे बना है इस रिएक्शन के थ्रू। ऐसे सेम ही प्रोडक्ट देते हैं दोनों। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन कैसे होगी, वही बन जाएगा यहां पर क्या, OH डबल बॉन्ड PH, फिर आपको बताइए क्या हो जाता है, इसमें टोटोमेरिज्म हो जाएगी, और टोटोमेरिज्म के बाद वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सेम प्रोडक्ट बनेगा टोटोमेरिज्म। इससे भी डायरेक्ट मैंने लिख ही दिया, रिएक्शन लिख दिए, इससे भी बन रहा टोटोमेरिज्म के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन गया, सॉरी ये नहीं बनेगा सर, क्योंकि सब पीएच ग्रुप ले रखा है, तो टोटोमेरिज्म के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा, लिख लेना, बाकी तो आपको समझ में आएंगे। तो मैक्सिमम जो कोई बता सकता है, मैक्सिमम इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई नहीं बता सकता। मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कम से कम 11 लेक्चर हो गए, 11 या 12 लेक्चर हो गए हमारे सिर्फ गिलगनार रिएजेंट के, जिसमें आपने गिलगनार रिएजेंट ही पढ़ा है। मेरे हिसाब से इससे मैक्सिमम चीजें और क्या आएंगी गिलगनार रिएजेंट से, और ज्यादा इससे मैक्सिमम नहीं आ सकती। तो बस यहां तक गिलगनार रिएजेंट आपको कंप्लीट हो चुका है, थोड़े बहुत अगर कोई रिएक्शन आएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके, और आगे चल करके हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे कुछ एप्लीकेशन से गिलगनार रिएजेंट की, एसीटल और कीटल वगैरह, और फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, बताएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिलहाल आप पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को गेन करने के बाद फिर असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है।